स्वीटन का 4 ओम 60 वाट का स्पीकर है, ये अब ख़राब हो चुका है। ये देखिए, ये ऊपर से दिख रहा है बिल्कुल नया, लेकिन ये अंदर से जल चुका है। और हम इसको टेस्ट करेंगे, ये ख़राब हुआ है कि नहीं। आपको मीटर से कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। सेट करने के बाद ये आपको देखिए बीप आ रहा है, और स्पीकर में दो स्पीकर में लगाना है। देखिए बीप आ रहा है, लेकिन ये बीप आ रहा है, कोयल ठीक है लेकिन इसके अंदर में कोयल जला हुआ है। इसके वजह से स्पीकर नहीं बज रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी मोड आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको कोयल को खोल के देखना है। अभी हम कोयल को खोल के देखेंगे। देखिए कैसे आवाज़ आ रहा है फट फट के, यानी कि इसका कोयल टूट चुका है। इस कोयल को पेपर को बिना फाड़े और कैसे कोयल को चेंज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये गरम सोल्डरिंग लेना है। सोल्डरिंग लेने के बाद इसके चारों तरफ से आपको लगाना है और डस्ट कप को उठाना है कि सोल्डरिंग गरम है। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ करके। इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको गरम करते रहना चाहिए। गरम करके ये अपने आप उठेगा। और हो सके तो इस तरह से चाकू लेना है और इसके अंदर में थोड़ा सा लगा लेना है, और उसको चाकू को इस तरह से लगा के रखना है ताकि गरम हो जाए। गरम होने की वजह से इसका अंदर में चला जाएगा। और आपको इस तरह से बहुत ही सावधान तरीके से आपको खोलना है। देखिए ये धीरे धीरे से उठ रहा है। आपको इस तरह से बहुत ही आसान और सावधान तरीके से करना है ताकि स्पीकर पेपर को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए उठ उठ गया है। ये चाकू के मदद से बहुत ही आसान तरीके से उठ गया। देखिए ये कोयल को बिना नुकसान पहुंचे जैसे कि वैसे कोयल है। देखिए बहुत ही न्यू कोयल है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ इसका जो अट्ठा हुआ था, उसका जो चिपका हुआ था, ये जो चिपक रहा था, ये गर्म के वजह से उठ गया है। और हम कोयल को अभी चेक करेंगे। देखिए ये कोयल बिल्कुल जल चुका है, और ये कोयल को हम कोयल को अब हम इसको गरम सोल्डरिंग से कनेक्शन को खोल लेंगे। गरम सोल्डरिंग से कोयल को खोल लेंगे। देखिए कोयल खुल चुका है, और ये जो कोयल है देखिए पूरी तरह से अंदर से जल चुका है। अंदर से पूरी जल चुका है। ये कोयल को हम इसके गरम करके उठा लेंगे। इस तरह से आपको गरम कर करके उठाना है।
ये देखिए कोयल सब जल चुका है इस तरह से। देखिए कोयल पूरी तरह से जल चुका है और ये कोयल पूरी तरह से जल चुका है देखिए। और इसको हम नए कोयल लगा लेंगे, थोड़ी सी साफ कर लेंगे इसको अच्छी तरह साफ करके। और यहाँ पर जो ये नए कोयल है, ये नए कोयल को हम लगा लेंगे इसके अंदर में और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कोयल बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। देखिए ये सेम कोयल है, ये 60 वाट का कोयल है। अब सोल्डरिंग कोयल को कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको इसका चिपका लेंगे एडवाइस से। Gracias.
ये देखिए मैंने सोल्डरिंग कर लिया है और इसका आठा चिपका दिया है और इसका अंदर में भी दे दिया है। और ये देखिए बहुत बढ़िया हो गया। और इसके ऐसा डस्ट कप मिलता है और आपको ये डस्ट कप लेना है, उसके ऊपर में इस तरह से दे देना है। देखिए बढ़िया तरीके से फिर से नया जैसा हो गया। इस तरह से आप भी घर में बहुत अच्छी तरह से बहुत सावधान तरीके से कर लें। ये कोयल को भी ये पेपर को बिना फाड़े सिर्फ कोयल को चेंज कर लें। देखिए बहुत ही कम खर्च में हो जाएगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।